हेलो व्यूअर्स, डॉली किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता रेस्टोरेंट स्टाइल का, जो कि बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट रहता है और आप इसको खा के कहेंगे कि बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। ये हमने यहाँ पे आपको ये कॉर्नफ्लोर दिया है, ये बेकिंग सोडा है, ये हमने ड्राई फ्रूट्स होते हैं काजू बादाम उसको क्रश करके रखा हुआ है, ये आलू है जो बॉईल किए हुए हैं, और ये है मैदा और कॉर्नफ्लोर जो कि हमें कोडिंग के काम आएगा, ये पनीर और मावा है मिक्स। अब हम पनीर और मावा को अच्छे से मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से, और इसके अंदर हम ये आलू का मसाला भी डाल के हाथों से अच्छे से करेंगे, ताकि जितना हम हाथों से इसको अच्छा मैश करेंगे उतने ही ये सॉफ्ट बनेंगे। अब इसके अंदर हम ये मैदा और कॉर्नफ्लोर है दोनों मिक्स करके हैं ये डाल देते हैं, और इसको भी हम मिक्स करेंगे। अगर ये कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। अब इसमें हमने बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाला है, इन सबको भी आप मिक्स कर लीजिए, और ये नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मैश कर ऑयल लगा के इसको कर सकते हैं। ये हमने जो ड्राई फ्रूट्स और इसको जो ग्राइंड करके रखा है उसके अंदर हमने हरी मिर्ची और ये मेन होता है अदरक का पेस्ट और धनिया पत्ती, और ये हमने पिस्ता बादाम आपका मिक्स करके डाल रखा है, और ये हमने काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए सबको। इससे ये बहुत ही अच्छी फीलिंग हो जाएगी हमारी अंदर भरने के लिए। आप चाहे तो इसमें किशमिश डाल सकते हैं। अब हमने हाथों में थोड़ा सा मैदा लगा के ये जो हमारे आलू का है इसको हमने ऐसे पीठी टाइप से बना दिया है दबा के, ताकि ये अच्छे से गोल हो जाए, और फिर इसके अंदर हम ये फिलिंग भरेंगे जो हमने बनाई हुई है, और इस फिलिंग को आप ऐसे भर के इसको साइड से चारों तरफ से ऐसे मोड़िए कि ताकि ये बाहर ना निकले और पूरी की पूरी इसमें अच्छे से दब जाए। आप इसको बराबर सारी कोनों को करा के, और अगर आपके चिपक रहे आलू तो आप हाथ में इसमें थोड़ा सा और आटा लगा सकते हैं, और इसके अंदर रोल करके आप इसको जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देखिए, हमारे ये मलाई कोफ्ता तैयार है। ये अब हमने खड़े मसाले लिए हैं, ये काजू है, ये हमारा अदरक है, अदरक मिर्ची का पेस्ट है, ये टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्ची है जो काटे हुए हैं। अब हमने इसमें बटर या आप घी भी डाल सकते हैं। इसमें खड़े मसाले डाले हैं हमने, खड़े मसाले हल्के से ये सॉल्ट हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए, क्योंकि ये मुंह में आएंगे तो फिर खाने में दिक्कत आती है, तो इसका टेस्ट इसमें आ गया। अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने, और ये हमने जो काटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची है ये सब हमने इसमें डाल दिए हैं, ये थोड़े से हमने काजू भी डाले हैं इसकी के अंदर ताकि सब सॉल्टी हो जाए, और इसको आप हल्का सा मिक्स कर लीजिए थोड़ी सी देर, और इसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, और इसको ग्राइंड कर लिया हमने। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार है, और ये हमारा अच्छा पेस्ट है। अब हमने एक बाउल में हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक इनका पेस्ट बना लिया है, क्योंकि ये तेल में डालते वक्त जलेंगे नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे तो कलर भी अच्छा आएगा। और ये देखिए, अब हमने इसमें ऑयल लिया है पैन के अंदर, ऑयल में आप ये जीरा और अपना नीम की पत्ती, लाल मिर्च और राई ये डाल दीजिए, और ये जो हमने मसाला जो पानी पेस्ट तैयार करा था वो डाल के हिलाइए, तो उससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जलेंगे भी नहीं आपके मसाले। इसके ये देखिए, हमने इसके अंदर ये डाल रखा है। अब हमने ये जो पेस्ट बना रखा था हमारा वो इसके अंदर डालकर इसको हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, मिक्स करने से इसमें अलग ही एक कलर आ गया है, और ये देखिए आप बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी या वो डाल के मलाई डाल के और फेंट के इसमें डाल सकते हैं, मलाई से इसका बहुत ही, या तो आप क्रीम डाल सकते हैं या मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई और दही का पेस्ट डाल दिया है, ये हमने शाही पनीर मसाला और चाट मसाला है जिसका फ्लेवर आता है, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा से आप डालिए, और इसको हमने बॉयल करने रख दिया है। ये देखिए, हमारी ग्रेवी थिक हो रही है। इधर हमने ऑयल गरम करके ये जो हमने बॉल बना रखे थे वो हमने इसमें डाले हैं, ना ज़्यादा फ्लेम हाई होनी चाहिए ना लो होनी चाहिए, और इसको धीरे धीरे आंच पे आपको सेकना है।
जब एक तरफ से सिक जाए तभी आप इसको दूसरी तरफ से करिए और इसको निकाल लीजिए। देखिए ऐसा सुंदर कलर आएगा और ये आपके आलू मलाई कोफ्ता जो है हमारा रेडी है। और ये देखिए ये हमारी ग्रेवी बन गई है। अब आप ग्रेवी बना के इसके ऊपर इसमें ऐसे रख सकते हैं और ऊपर से चीज़ ग्रेट कर सकते हैं और धनिया डाल सकते हैं। ये देखिए काट के आपको दिखाया तो अंदर का लुक कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारे मलाई कोफ्ता तैयार है।